नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथा से शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथा से पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारं अन्यान् अस्मद्गुरुं संततं आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परं अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अथर्ववेदी मांडुक्य उपनिषद के ऊपर विचार चल रहा था तो ओंकार के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। ओंकार में तीन मात्रा है, अकार उकार मकार और चौथी अमात्र है, माने मात्र रहित ओंकार। हमारे तुम्हारे आत्मा के भी चार स्वरूप हैं, विश्व तैयस प्राज्ञ और आगे कूटस्थ। कूटस्थ को ही ब्रह्म कहते हैं। चौथा स्वरूप कूटस्थ ब्रह्म है।
फिर ओंकार की मात्राओं के साथ में आत्मा के पादों की एकता की गई। अकार का विश्व के साथ में एकत्व किया गया, उकार का तैजस के साथ में एकत्व किया गया और मकार का प्राणि के साथ में एकत्व किया गया और अमात्र का अपने कूटस्थ के साथ में एकत्व किया गया। तो ओंकार की मात्राएं और अपने आत्मा के पाद एकत्व हो गए। अब ईश्वर के चार चरणों में से इनको मिलाना चाहिए। समष्टि विश्व तैयस प्राग वो ईश्वर के चार चरण होते हैं और ब्रह्म माने जीवों के सुसुप्ति अवस्था का स्वामी है विश्व। तो संसार भर की सुसुप्ति अवस्था एकत्व तो है ईश्वर की सुसुप्ति माया के साथ में। उनका नाम है विराट हिरण्यगर्भ अव्यकृत। समष्टि सुसुप्ति समष्टि जागृत का नाम है विराट, समष्टि स्वप्न का नाम है हिरण्यगर्भ और समष्टि सुसुप्ति का नाम है विराट हिरण अव्याकृत माने समष्टि माया अव्याकृत है। इस प्रकार से अब ये विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत के जो अभिमानी हैं उनका नाम है वैश्वानर सूत्रात्मा और अंतर्यामी। ये तीन नाम है और जो चौथा स्वरूप है जीव का और ईश्वर का वो तो शुद्ध ब्रह्म है। कूटस्थ का शुद्ध ब्रह्म के साथ में एकत्व है। इस प्रकार से जीव के चारों पाद ईश्वर के चारों पादों के साथ में मिला दिया गया। अब लय चिंतन करके ब्रह्म तक पहुंचना चाहिए। विराट को अब तो सब मिला दिया, ओंकार को पहले ही मिला दिया जीव के चार चरण के साथ में, फिर जीव के चार चरण ईश्वर के चार चरण के साथ मिला दिया, अब ईश्वर के ही रह गए। अब विराट को लय करना चाहिए हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को लय करना चाहिए विराट हिरण अव्याकृत में। इसी प्रकार से इनके जो अभिमानी हैं विश्व तेजस प्राग इनको लय करना चाहिए, विश्व को लय करना चाहिए ईश्वर के वैश्वानर स्वरूप में और वैश्वानर को फिर लय करना चाहिए सूत्रात्मा में, सूत्रात्मा को लय करना चाहिए अंतर्यामी में। अंतर्यामी ईश्वर का स्वरूप है और अंतर्यामी ईश्वर को लय करना चाहिए शुद्ध ब्रह्म में। अंत में शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म आधार अधिष्ठान है। इन तीन की उत्पत्ति शुद्ध ब्रह्म में माया से होती है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय अधिष्ठान रूप ब्रह्म में होती रहती है। बैठ जाओ बाबा बैठ जाओ, खड़े मत रहो। इस प्रकार से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही शेष बचा और तीन माया और माया के कार्य थे
शुद्ध ब्रह्म में लीन हो गए, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म शेष रहा। इसको लय योग की प्रक्रिया कहते हैं। योग नाम मिलाने का है। विश्व को, वैश्वनर को सूत्रात्मा मिला दिया, सूत्रात्मा को ईश्वर के साथ में मिला दिया और ईश्वर को ब्रह्म के साथ मिला दिया। इसका नाम है लय योग। जैसे अष्टांग योग होता है ऐसे ही ये लय योग भी है। अष्टांग योग हो आत्मस्वरूप तक ही पहुंचता है, ब्रह्म तक नहीं पहुंचता। अपने आत्मस्वरूप तक ही पहुंचता है। यम नियम आसन और प्राणायाम ये तो इस अष्टांग योग के बहिरंग साधन है। प्रत्याहार से माने इंद्री मन इंद्रियों के संयम से प्रत्याहार शुरू होता है, कुछ अंतरंग साधन शुरू होते हैं। क्योंकि आत्मा अत्यंत अंतरंग माने भीतर है, तो बाहर से भीतर की तरफ जाना चाहिए आत्मा के जानने के लिए। तो प्रत्याहार से इंद्रियों को और मन को बाहर से हटा के भीतर रोकना पड़ता है। फिर उस आत्म तत्व की धारणा की जाती है और फिर उसी आत्म तत्व को बुद्धि से ध्यान किया जाता है। तो ध्यान करते 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 मन की एकाग्रता होने लगती है। तो इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। फिर ध्याता और ध्यान आत्मरूप हो जाते हैं। तब समाधि हो जाती। तो जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, एकाग्र हो गया, अब ऐसे एकाग्र अवस्था में ही तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था है। तब दृष्टा, दृष्टा हमारा आपका स्वरूप है। तब ये दृष्टा जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब कोई रहा नहीं, क्योंकि मन भी आत्माकार हो गया है समाधि में। अब दृश्य नाम की कोई चीज नहीं रही। पहले अंतःकरण था, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर इंद्रियां थे उसके बाहर, उसके इंद्रियों के बाद में बाहर का संसार था। जब इंद्रियों को रोका तो बाहर का संसार गया, मन को रोका तो इंद्रियां भी शांत हो गई। अब मन एकाग्र हो गया तब हमारा तुम्हारा आत्मा जो दृष्टा है इन सब का, देह इंद्री मन बुद्धि प्राण सभी का दृष्टा था, वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ कि मैं दृष्टा हूं। देह इंद्री मन बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा को जानने से ही जीव का कल्याण है। जीव को पता नहीं मैं क्या हूं, तो शरीर माने बैठा है। स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, क्षत्रियो हम, वैश्यों हम, शूद्रों हम, क्योंकि यह स्थूल शरीर के ही धर्म है। सूक्ष्म शरीर के भी धर्म नहीं है स्त्री पुरुष बना, उसमें तो इंद्रिय मन बुद्धि है। आकार तो कोई है नहीं सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का आकार है तो स्त्री पुरुष के आकार ही तो है, तो स्थूल शरीर में ही रह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में नहीं है और आत्मा में तो है ही नहीं। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर आत्मा में नहीं है।
तीनों शरीरों से आत्मा परे है और तीनों शरीरों का दृष्टा है। समाधि में ही अपना ये जीवात्मा दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। फिर भूल कर अपने को स्त्री या पुरुष नहीं मानता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पनाधि और स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में है नहीं, और जीवात्मा में तो है ही नहीं। जीवात्मा तो सब में एक जैसा ही दृष्टा ही है, तो दृष्टा का तो कोई वर्ण नहीं है, दृष्टा का कोई आश्रम नहीं, दृष्टा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, क्योंकि दृष्टा ज्ञान है ना, चेतन तत्व है ना, ज्ञान में देखना बनता है, तो ज्ञान का तो कोई आकार नहीं है, आकारों को देखता है, स्वयं निराकार है। इसलिए आत्मा सबसे रहित है। भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य हुए हैं, उनका नाम था हस्तामलक। वो 16 वर्ष तक का बालक हुआ था जब तक बोलता नहीं था, तो भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, तो जिस ग्राम में ये ब्राह्मण रहता था उस ग्राम में भी पहुंचे, तो ये ब्राह्मण अपने बालक को लेकर के शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए आया। गांव के सभी लोग दर्शन को गए, तो ब्राह्मण ने प्रणाम किया शंकराचार्य जी को और बालक को भी प्रणाम करवाया और कहा, हे प्रभु, ये बालक 16 वर्ष की उम्र का हो गया है और अभी तक ये बोलता नहीं है, पता नहीं इसको क्या बीमारी है, जानबूझकर नहीं बोलता है या कोई बीमारी के कारण नहीं बोलता है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई जानबूझ के ना बोले और या तो बीमारी हो जो बोल सकता ही ना हो। शंकराचार्य जी योगी थे और शंकर जी के अवतार हैं, योग बल से उन्होंने जाना कि ये ब्राह्मण बालक विद्वान है, ज्ञानी है, योगी है। तो शंकराचार्य जी ने उस बालक से प्रश्न किया, वो प्रश्न इस प्रकार किया, कस्तम शिशो कस्तम शिशो कस्य कुतो सिगंता किम नाम ते तुम कुतया गतोसि एतन्मयोक्तम वदचार्भकत्वम मत प्रीतये प्रीति विवर्धनोसी। हे बालक, तू कौन है, तेरा नाम क्या है और कहाँ से आया है, तेरे माता पिता कौन है, तू कौन वर्ण का है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय कि वैश्य कि शूद्र अथवा इनके अतिरिक्त कोई देवता है, किन्नर है, गंधर्व है, अथवा कोई चार आश्रमों में से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी है। जितना व्यवहार का प्रश्न था शंकराचार्य जी ने उससे पूछ लिया। अब देखो, जो बालक अब तक नहीं बोला था वो बोल उठा, शंकराचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर देता है। क्या देता है कि नाहम मनुष्यो न च देवयक्षो
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। ना मैं मनुष्य हूँ, ना कोई देव हूँ, न यक्ष हूँ, न नर हूँ, न किन्नर हूँ, ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, और ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ व सन्यासी ही हूँ। फिर कौन है? निज बोध रूप, मैं निज स्वयं बोध नाम ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान में कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई देवता यक्ष नर किन्नर मनुष्य आदि जाति कोई है नहीं। इस ये दृष्टा सब में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में उनको देखता है, स्त्री पुरुष में है उनको देखता है, पर स्वयं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष नहीं होता। सब में रहकर सबको देखता है और आप अकेला है, मैं आप अकेला हूं। सभी देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी सब में बैठकर मैं ही देख रहा हूं। सभी वर्ण आश्रम में स्त्री पुरुषों में बैठकर मैं आप अकेला ही देख रहा हूं। आकाश के समान सब में मैं व्यापक हूं, अतति व्यापनोति इति आत्मा। जो सब में व्यापक हो वो आत्मा का स्वरूप, तो मेरा स्वरूप सब में व्यापक एक अनंत अखंड ज्ञान है। ज्ञान की न कोई जाति है, न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, न कोई रूप है और न ही कोई नाम है। नाम रूप तो ये शरीर में होते हैं, क्योंकि नाम के रूप द्वारा इन शरीरों का रूपों का ज्ञान हुआ करता है। यदि नाम न होते इन रूपों का ज्ञान कैसे हो? स्त्री पुरुष ये नाम है, तो इससे स्त्री कहने से स्त्री के रूप का ज्ञान होता है, पुरुष कहने से पुरुष के रूप का ज्ञान होता है। तो नाम सब रूपों के प्रकाशक है, स्वरूप स्थूल शरीर में ही है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये आत्मा में तो कोई न कोई नाम है न कोई रूप। तो सब नाम रूपों में मैं हूँ और सभी नाम रूपों को मैं देखता हूँ और सबसे असंग हूँ। सज्जनों, इस प्रकार से हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो अनाम है, होरा रूप है, परंतु इस लय की प्रक्रिया से एक ब्रह्म ही रह जाता है और आत्म तत्व के ज्ञान से भी आत्मा ही शेष रह गया समाधि में। ये दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हुआ, परंतु यह योग शास्त्र अधूरा रह जाता है। आत्म तत्व का तो वर्णन कर दिया, बता दिया, परंतु ब्रह्म तत्व की चर्चा भी नहीं की है। ना अलग से ही कुछ ब्रह्म बताया, ना आत्मा के साथ में ब्रह्म का एकत्व ही बताया, ये नहीं आया, इसलिए अधूरा है। और ये जो वेदांत शास्त्र है उत्तर मीमांसा व्यास जी ने लिखा है, ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसमें आत्मा का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप, जीव और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है दोनों का, और फिर जीव और ईश्वर का पहले वाच्यार्थ बताया गया है, फिर लक्षार्थ में एकत्व बताया गया है।
विद्या विद्या ये माया की उपाधियां हैं। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म विद्या विद्या दोनों में अभिव्यक्त होता है प्रतिबिंब रूप से। तो विद्या में जब अभिव्यक्त होता है व्यापक ब्रह्म, उसका नाम ईश्वर हो जाता है, और अविद्या में जब प्रतिबिंबित होता है तो उसका नाम जीव हो जाता है। अब ब्रह्म ही दोनों जगह प्रतिबिंबित हुआ है, ये प्रतिबिंबों के नाम है ईश्वरीय जीव। परंतु विद्या विद्या रूप माया सत्य नहीं है, झूठी है। इसलिए जीव ईश्वर नाम विद्या विद्या से ही है। अच्छा, विद्या उपाधि में जो प्रकट हुआ है वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, क्योंकि विद्या जो है शुद्ध सत्वगुण प्रधान है और अविद्या मलिन सत्वगुण प्रधान है, इसलिए जीव अल्पज्ञ है। ये उपाधि भेद से सर्वज्ञता अल्पज्ञता है। जैसे एक ही बिजली हजार पावर के बल्ब में भी प्रकट होती है और जीरो पावर के बल्ब में भी प्रकट होती है। बिजली में भेद नहीं, पर बिजली के प्रकाश को जो प्रकट करते हैं उन साधनों में भेद है। साधन बल्ब है, कोई कम पावर का है, कोई ज्यादा पावर का है, इसलिए प्रकाश में कमी बेसी मालूम पड़ती है। बिजली में ये भेद नहीं, जीरो पावर की जगह आप हजार पावर का बल्ब लगा दो तो वहां हजार पावर का बल्ब का प्रकाश होने लगता है, बिजली समान है। अथवा अग्नि तत्व एक दीपक में भी प्रकट होता है और सूर्य में भी प्रकट होता है। तो प्रकट करने के जो साधन है, एक दीपक है एक सूर्य है, तो प्रकाश में कमी बेसी आ गई, और व्यापक अग्नि में कोई कमी बेसी नहीं, वो तो बराबर है, सूर्य में दीपक में सब जगह बराबर है। बस प्रकाश को जो प्रकट करने के साधन है वो दीपक और सूर्य है। तो दीपक में प्रकट होती तो थोड़ा प्रकाश होता है, घर का अंधकार हटा देता है, और वही अग्नि सूर्य में प्रकट होती है तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार हटाती है। ऐसे ही विद्या में जो प्रकट होता है वो सूर्य के समान उपाधि है और व्यापक ब्रह्म अग्नि के समान है, वो सर्वज्ञ ईश्वर होता है। अविद्या मलिन सत्वगुण प्रधान है, इसमें भी वही ब्रह्म व्यापक ब्रह्म प्रकट हुआ है अविद्या में, परंतु इसमें कम प्रकाश करने कम ज्ञान प्रकट करने की शक्ति सामर्थ्य, इसलिए ये अल्प ज्ञान लगता है। परंतु ये उपाधि भेद से है ना, व्यापक ब्रह्म में तो कोई भेद नहीं है, तो व्यापक ब्रह्म के साथ में जीव और ईश्वर की एकता होती है। इन प्रतिबिंबों के साथ में एकता नहीं होती, क्यों? प्रतिबिंब जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ ही रहेगा, क्योंकि विद्या उपाधि है और जीव की उपाधि अविद्या है, तो ये अल्पज्ञ ही रहेगा, इसलिए वाच्यार्थ में एकता नहीं होती है, लक्ष्यार्थ में एकता होती है। लक्ष्यार्थ दोनों का ब्रह्म चेतन है, जो दोनों में प्रकट हुआ है वो लक्ष्यार्थ है। माया विद्या को बाध कर देने से वो तो झूठी है माया विद्या, तो जीव ईश्वर का बाध हो जाता है, क्योंकि प्रकट करने का साधन नहीं होगा तो किस में प्रकट होगा ब्रह्म? बल्ब नहीं होगा तो बिजली कहाँ प्रकट होगी? इसलिए कहते हैं माया विद्या विहायैव नन्दं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। कहते हैं माया अविद्या को विहाय माने छोड़ दो, क्योंकि झूठी वस्तु हैं ये छोड़ी जा सकती हैं, ये हटाई जा सकती हैं,
सत्य हटाया नहीं जा सकता। उपाधि पर जीवयो हो, ये दोनों माया अविद्या, परमाने ईश्वर और जीव, इन दोनों की उपाधियां हैं। उपाधियों के हटा देने से फिर क्या बचा? अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म ही लक्ष्य, फिर अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रहता है। जब उपाधि नहीं है तो कहां प्रकट होगा? जीव ईश्वर पर न खत्म हो जाता है, क्योंकि वह उपाधि का है। तो माया विद्या के त्याग देने से मायापति ईश्वर और अविद्यापति जीव, माया विद्या पत्नियां हो गए। जीव की पत्नी तो अविद्या है, ये तो अज्ञानता लाती है, और ईश्वर की पत्नी तो विद्या रूप माया है, वो सर्वज्ञता लाती है। ब्रह्म ईश्वर को हमेशा अपने स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान बना रहता है, इसीलिए ईश्वर नित्य मुक्त है। तुलसीदास जी ने विद्या विद्या का वर्णन रामायण में किया है, माया के दो रूप। लक्ष्मण ने पूछा है माया का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, तो भगवान राम ने बताया कि मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीन है जीव निकाया, ताकर भेद सुनो तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दोई, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। अविद्या रूप माया के बस में जीव हो गया, जिसे भव को भौतिक भवा, जहाँ जन्म मरण होता है, इस संसार को भवकूप कहते हैं। भव माने भवती, जन्म लेता है फिर मरता है फिर जन्म, ये भवकूप में गिर पड़ा है जीव। जैसे मेढक यदि कुआं में गिर पड़े तो फिर वो निकल नहीं पाता है बाहर, ऐसे ही ये भवकूप में ये जीव जो है गिर पड़ा है, इसलिए ये भी एक मंडूक है। मंडूक नाम मेढक का है, भवकूप में गिर गया है। अब कोई दया करके निकाले तो हो सकता है, अपने बस की बात तो है नहीं, अब भगवान ही कृपा करके निकालें तो ये जीव निकल सकता है। जैसे कोई सूरदास होता है तो आंखों से अंधा है, अब वो रास्ते में जा रहा है, अब वो रास्ते में अंधा कुआं आ गया जिसका पानी सूख गया है, झाड़ी झंकार जग गए हैं, सांप काले काले सांप बिच्छुओं ने उसमें रहने का अड्डा बना लिया है, उसमें गिर गया, अब उससे निकलना असंभव, कौन निकाले? बेबस है, परबस है। कोई आंख वाले ने देख लिया कि अरे ये सूरदास गिर गया कुआं में, तो आंख वाला दया के बस में होकर, करुणा बस होकर के वो कुआं में जानबूझ के उतरता है, गिरता नहीं। अंधा तो आंख न होने से गिर गया था, आंख वाला उसको निकालने के लिए उतरता है, उतर करके उस सूरदास को निकाल देता है, हाथ भी निकल जाता है। ऐसे ही ये जीव ये भावकूप में गिर पड़ा है। सूरदास है माने ज्ञान नेत्र से अपने स्वरूप को नहीं जानता है, ज्ञान नेत्र से ये हीन है। सभी जीव इनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो अपने स्वरूप के ज्ञान से अंधे हैं, इसीलिए भवकूप में गिरे। ईश्वर आंख वाला है, सर्वज्ञ है ना, तो अल्पज्ञ जीव गिर गया है।
तो ईश्वर दयालु कृपालु होकर के अवतार लेता है। ये संसार कूप में ईश्वर जानबूझ के उतरता है, अवतरत इति अवतारा, अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से उतरकर सगुण साकार रूप में आता है। कहाँ ये संसार में किस लिए आता है? ये अज्ञानी जीव जो भवकूप में गिर पड़े हैं, इनके निकालने के लिए ईश्वर का अवतार इसलिए होता है, क्योंकि ईश्वर स्वभाव से ही दयालु कृपालु। तो ये माया और अविद्या के कारण ये सब बात है। ईश्वर सर्वज्ञ है, नेत्र वाला है, और जीव अविद्या रूपी पत्नी के वश में हुआ है, जिसने ज्ञान नेत्र को ढक दिया है, बिल्कुल जाला पड़ गया है। ऑपरेशन तो कौन करे? ईश्वर ही ऐसा डॉक्टर है जो ज्ञान दे करके अज्ञान को हटा दे, और तो कोई है नहीं ऐसा। तो ये अविद्या उपाधि जीव की बताई है, और दूसरी विद्या वो ईश्वर की पत्नी है, वो ईश्वर को दुख नहीं देती, किंतु ईश्वर के वश में रहती है। और जीव की अविद्या रूपी पत्नी कहा, ये अपने पति जीव को अपने वश में करती है, ये अविद्या के वश में हो जाता है। यही फर्क है जीव और ईश्वर में। ये पत्नी के परवश हुआ है, ईश्वर पत्नी के परवश नहीं है, स्वबस है। परवश जीव, स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इसलिए सज्जनों, ये सर्वज्ञता अल्पज्ञता माया अविद्या उपाधि से है, विद्या अविद्या उपाधि से है। उपाधि सत्य नहीं है, वो हटाई जा सकती है। तो जब ये ज्ञान दृष्टि से लक्षार्थ दोनों का क्या है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, तो माया अविद्या को हटा दिया क्योंकि मिथ्या थी। जब ईश्वर या गुरु ज्ञान देता है तो मिथ्या उपाधियों को ही हटाता है। अब उपाधि हट गई तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म शेष बचेगा, जो लक्षार्थ है ईश्वर का और जीव का। इस प्रकार से जीव और ईश्वर के लक्षार्थ में एकता है, तो वाच्यार्थ में एकता नहीं है, ये वेदांत शास्त्र बताता है कि ब्रह्म और जीव दोनों का स्वरूप बताता है, दोनों का एकत्व बताता है। और योग शास्त्र में जीवात्मा की बात बताई गई, परंतु आत्मा के जानने से भी जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि देह भी मन बुद्धि से अलगाव हो गया, परंतु ब्रह्म तत्व जानना तो शेष रह जाता है। इसलिए वेदांत पूर्ण है, सभी दर्शनों में वेदांत पूर्ण है, और बाकी दर्शन अधूरे हैं। सो ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने सबका खंडन किया है, उनमें अधूरापन क्या है सो बताया है व्यास जी ने। इसलिए वेदांत शास्त्र उपनिषद है, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, वेदों का अंतिम कांड उपनिषद ज्ञान कांड। तो सज्जनों, ये लय योग आप समझ गए ना, सबको लेकर, जागृत को स्वप्न में, स्वप्न में स्वप्न को सुसुप्ति में, सुसुप्ति को समाधि में, फिर आत्मा ही शेष रह गया, फिर व्यष्टि को समष्टि में, और समष्टि को भी क्रम क्रम से विराट को हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को अव्याकृत में, अव्याकृत को ब्रह्म में, बस शुद्ध ब्रह्म शेष रह गया। ये मांडुक्य उपनिषद का अभिप्राय है।
जो योग शास्त्र की बात, और दूसरा मंत्र योग होता है, ये जो महावाक्यों से बता जीवात्मा और परमात्मा का योग बताया गया, एकत्व बताया गया, स्वभाव सिद्ध है। इसमें योग करना नहीं है, मिलाना नहीं है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का शुद्ध स्वरूप मिला हुआ ही है, जिसे घटाकाश और महाकाश मिला हुआ ही है, उसका अलगाव का भी हुआ नहीं। इसलिए जानना ही कर्तव्य रहता है इस ज्ञान योग में, ये मंत्र योग में। मंत्र से यहाँ महावाक्य समझना, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि अयम् आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानमानंदम् ब्रह्म, इनसे शुद्ध तत्व का एकत्व बताया गया है ये मंत्र। ये ध्यान योग है, उस ध्यान योग भक्ति में आता है। सगुण व निर्गुण भगवान का ध्यान करे तो मन की वृत्ति तदाकार हो जाती है। राम कृष्ण विष्णु का आकार धर लेगी तो अंत समय ये विष्णु लोक को जाएगा, और वहां विष्णु लोक में जाकर के फिर वहां सत्यगुण प्रधान है वो विष्णु लोग, फिर वहां इसको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, फिर वहां मुक्त हो जाएगा। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। यहां नहीं मुक्त हुआ, भगवान का ध्यान किया तो भगवत लोक को चला गया, और लोगों को नहीं जाएगा, और लोगों से आना जाना होता है, जन्म मरण से नहीं छूटता है। अरे भगवत धाम में जाएगा, विष्णु लोक में जाएगा तो वहां इसको ज्ञान हो जाएगा विष्णु की कृपा से, फिर वो लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं, न स पुनरावर्त थे न स पुनरावर्त। अर्जुन मामू पे तो कौन थे पुनर्जन्म न वेदे, और बाकी आ ब्रह्म भूनान लोग का पुनरावर्तन हो जाए, ब्रह्म लोक तक चला जाए तो भी जन्म मरण से नहीं छूटता, और मुझे पा करके पुनरावर्तन नहीं होता। न स पुनरावर्त थे न स पुनरावर्त, ऐसा श्रुति कहती है, भगवान ऐसा कहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम, तो भक्त की क्रम मुक्ति होती है और ज्ञानी की सद्य मुक्ति होती है। अपने स्वरूप को जाना तो नित्य मुक्त ही, बस प्रारब्ध पर्यंत शरीर रहता है, इसलिए जब तक शरीर है इसको जीवन मुक्त कहते हैं, और जो प्रारब्ध पूरा हुआ तो विदेह मुक्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव।